हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 11 में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज डिनोटेड बाई के। तो मैंने देखा, यानी परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो होगा वो हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के विल बी इक्वल्स टू परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपने देखा के विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन बाय। परमिटिविटी जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। जो मीडियम का जो नेचर है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो डिफिनेशन आपने देख लिया। चलिए हटा दूं। तो हमने ये देखा के विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। इसे एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन। ये मीडियम में होता है और ये क्या होता है, फ्री स्पेस में होता है। तो और मैंने ये भी बताते इसको क्या कहते हैं कि अब अगर मैं डायरेक्टली कांस्टेंट के और फॉर्म में लिखना चाहूं तो डिफरेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ये F0 by F, यानी फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, और C/C0 ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, ऐसा होता है। ठीक, तो देखिए कुछ लोग कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं के विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन विल बी, या एयर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लोग बोलते हैं या एयर बाई एफ मीडियम, ई एयर बाई ई मीडियम, सी मीडियम बाई सी एयर लिखिए, वैक्यूम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसा रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब आगे की बात करता हूं, हटा दो इसे। चलिए अब थोड़ा यहीं पे मैं परमिट्यूटी की बात कर लूं। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने परमिट्यूटी के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो थोड़ा मैं यहां से परमिटिविटी को और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैंने बताया था ये क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता, अपोज करता था या सपोज करता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। अगर परमिटिविटी क्या करेगा, बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम होने का मतलब क्या है कि उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इसका जस्ट अपोजिट। तो आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, अब परमिटिविटी
इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, परमिट्यूटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। यानी परमिट्यूटी किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो दो चार्जों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करती है, डिटरमाइन करती है, जो उस मीडियम में प्लेस्ड है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों, इसे ना बोलिए तो मैं लिख देता हूं रिप्लाई में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। इसकी प्रॉपर्टी है मीडियम की, विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges situated in that medium। तो अब सर ये परमिट्यूटी आपने देखा, परमिट्यूटी क्या होता है वो पिछले वीडियो मैंने थोड़ा हिंदी में डिस्कस किया था, उसे आपको समझाने के लिए कुछ रे का मैंने एग्जांपल लिया था। तो चलिए अब रिलेटिव परमिट्यूटी क्या होता है, सेम वही डेफिनेशन है जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन इसकी भी होती है। यानी रिलेटिव परमिट्यूटी विल बी इक्वल टू परमिट्यूटी इन मीडियम टू द परमिट्यूटी इन फ्री स्पेस। आपने डेफिनेशन वही लिखा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें मैंने बताया, एम राइट? तो देखते रहिए, चलिए हटाऊं। अब वैल्यूज आपके यानी डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट की वैल्यूज देखते हैं डिफरेंट मीडियम में देखते हैं। चलिए देखिए, फॉर एयर, फॉर वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू होती है वन होती है। फॉर एयर के लिए के की वैल्यू होती है 1.0054, इतनी होती है। फॉर पेपर के विल बी इक्वल टू 3.5। फॉर ग्लास के विल बी इक्वल टू 4.5। फॉर वाटर के विल बी इक्वल टू 80 और 81। कभी कभी 80 दिया रहता है, कभी कभी 81 दिया रहता है। फॉर इंसुलेटर K is greater than 1। कभी कभी इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता, तो आपको दिया जाएगा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर द इंसुलेटर इज, आपको ऑप्शन दे दिएगा 0, -3, -2 and 5। कौन होगा? ये सभी क्या है, 1 से लेस है, तो 5 हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, ये करेक्ट होगा। अच्छा, फॉर मेटल जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। क्यों इन्फिनिटी होती है? क्योंकि जब मैं मेटल को क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वहां फोर्स जीरो हो जाता है। यानी फील्ड जीरो होता है तो फोर्स जीरो होगा, जब फोर्स जीरो होगा तो 1/4πε0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/4πε0 × F। यानी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, F जीरो हुआ तो कितना हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी मैं इसका मीन बताने वाला हूं क्या होता है, ये आप देख लीजिए। और भी आप ये क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसे आप याद रखिए, और भी वैल्यू जो आएंगी वो आपको गिवन रहेगा, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं आपको। ठीक, चलिए हटाऊं से। अच्छा, तो मैंने देखा
चलिए, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम में मैं लिखता हूं, तो यह पिन भी इक्वल टू मीडियम में यह लिख दू एफएम या मीडियम में 1/4 pi, या भी ऐसे रहने दीजिए 1/4 pi ऑफ सालम Q1 Q2 / r² कोई दिक्कत? तो अब देखिए मीडियम में एप्सिलॉन है, तो मैं अगर एप्सिलॉन की वैल्यू रख दूं कि एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी तो मीडियम में ही होगा कि एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / r², चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो सब क्या है इक्वल है, क्योंकि इसकी ही वैल्यू मैं रखा हूं, तो दोनों किसमें है बच्चों? मीडियम में है। अगर मैं कहूं फ्री स्पेस में, बताइए इन फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में क्या हो जाएगा? F0 और उसके लिए k की वैल्यू कितनी होती है वैक्यूम के लिए, स्पेस के लिए 1 होती है, तो बताइए 1/4 pi अब साला में k की वैल्यू 1 हो जाएगी, Q1 Q2 / कितनी? r² am I right? ये हो जाएगा ठीक ना। चलिए अच्छा, यहां तक आपने देखा, इसे इक्वेशन नंबर मैं क्या करता हूं, फर्स्ट देता हूं, इसको सेकंड देता हूं, इसको थर्ड देता हूं, ये दोनों एक ही है ठीक। अब जो फॉर्मूला मैंने दिखाया वो मैं प्रूव करके आपको दिखाना चाह रहा हूं, तब कुछ इंपॉर्टेंट बात इस पे करूंगा ठीक। चलिए देखिए, अब मैं अगर कहूं बाई 1/(1/3) किससे? सेकेंड से, सॉरी 2/3 मैं डिवाइड करता हूं, या पाई एफ नॉट मैंने लिख दिया, तो देखिए 1/4 pi ऑफ सालन नॉट Q1 Q2 / कितना हो जाएगा यहां, सॉरी ये एफ की वैल्यू कितनी है 1/4 pi के ऑफ सालन नॉट Q1 Q2 / r², ये कितना है 1/4 pi ऑफ सालन नॉट Q1 Q2 / r² काट दीजिए सबको, या पाई एफ नॉट आप सालन भी कटेगा 1/k आएगा, k को ऊपर कर दीजिए, k will be equals to f not by f। अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था k will be equals to आप सालन by f सालन not f not by f आया क्या? ऐसे जब फील्ड बताऊंगा तो e not by e आएगा, तो उसे मैं डिस्कस कर दूंगा ठीक। चलिए इतनी बात हो गई, अब इसे हटा दूं, चलिए इधर देख लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, हम बाई फर्स्ट एंड सेकेंड करते हैं, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो देखिए दोनों फोर्स इक्वल है क्या है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए एफ बाई एफ, क्योंकि दोनों ही मीडियम में है 1/4 pi ऑफ सालन Q1 Q2 / कितना r² 1/4 pi के ऑफ सालन नॉट Q1 Q2 / r², मैंने इसे कट कर दिया, इधर से इधर कट कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, इधर वन आया एप्सिलॉन बाई 1/k एप्सिलॉन, ये पूरा इधर चला जाए 1/k एप्सिलॉन नॉट 1/ एप्सिलॉन, तो k एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू k एप्सिलॉन, k विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने जो देखा मैंने वही प्रूव कराया, इसमें प्रूव करने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इधर उधर करना है, बस हो गया ठीक, तो आपको वही चीज प्रूफ लगने लगा है, डेफिनेशन ही ठीक है ना। तो चलिए हटा दूं इसे, चलिए अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात करता हूं इसी में। अब चलिए हमारा आगे देखिए आप लोग, अच्छा ये आपने देखा, तो अब चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, कुछ लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब मीडियम की बात करते हैं, इन मीडियम फोर्स इन मीडियम
इन मीडियम क्या हो जाए बताइए, चाहे आप एफ लिखिए चाहे हम लिखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1/4πK/Q1Q2/r2। देखिए दो चीज है आपके पास, ये मीडियम है और ये स्पेस है। तो मैंने क्या किया, पहले एफ लिया था, ये चाहे एफ लीजिए चाहे एफएम लीजिए, ठीक। सॉरी, जब आप मीडियम में क्या करेंगे, एफ रखेंगे तो यहां क्या रखेंगे, एफ नॉट रखिए, और जब मीडियम में आप एफएम लिखे तो यहां एफ लिख दीजिए या एयर लिख दीजिए या वैक्यूम लिख दीजिए, बात एक ही होगी। चाहे रिप्रेजेंट करवाइए चाहे ऐसे लिख दीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है, इसे बहुत बड़ा इशू ना बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। ठीक, चलिए मीडियम की बात करता हूं। और यही जो ये जो फोर्स है हमारा, इसे सुनिएगा, ये जो फोर्स है हमारा, इसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया तो आपने सुना होगा भाई, उसे क्या मैकेनिक्स में पढ़ते थे, उसे इनर्शिया, इनर्शिया मतलब मास, तो इसमें मास होगा, ठीक है ना। तो इसे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं, ये जानते रहिए क्या है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है, ठीक। चलिए, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, अच्छा आप देखिए, फॉर्म मेटल की बात करता हूं, फॉर्म मेटल की बात करता हूं, केक कितना होता है कोई बताएगा, केक कितना होता है बताओ यार, इन्फिनिटी होता है। तो अब देखिए एफएम हमारा कितना हो जाएगा इन्फिनिटी में, 1/4πK/Q1Q2 कितना r2, एफएम इनवर्सली प्रोपोर्शनल के है, एफएम कितना हो जाएगा 1/∞, एफएम हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होगा ना। अच्छा अब देखिए, फॉर क्या, स्पेस, स्पेस मतलब वैक्यूम, एयर, कुछ भी लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 1 होती है, ठीक। या एयर कितना हो जाएगा हमारा, 1/4πK/Q1Q2/r2, एफ एयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द के, एफ एयर विल बी इक्वल्स टू 1/ कितना, 1। यानी ओवरऑल बताएंगे क्या हुआ, दो चीज, द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इन एयर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इन मेटल, इन मेटल क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, मिनिमम, मिनिमम कितना, जीरो होगा, ठीक। जीरो से कम नहीं हो सकता, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्या है, इसी को आप फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये भी क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, एयर में मैक्सिमम होगा और मिनरल में कितना, मिनिमम होगा, वो भी होगा कितना, जीरो होगा, ठीक, राइट। चलिए हटाऊं, तो चलिए अब देखिए, तो ओवरऑल एक हमारे पास फॉर्मूला बन गया, एफएम विल बी इक्वल टू एफ एयर बाय कितना के, मतलब आप ये समझिए कि बढ़ता जाएगा तो मीडियम में क्या करता है, फोर्स बढ़ता जाएगा, और सबसे मैक्सिमम कितना होता है, एयर होता है, क्योंकि आप जानते हैं या एयर विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ या मीडियम, के टाइम्स ऑफ या मीडियम, मीडियम में जो फोर्स होगा के टाइम्स ऑफ फोर्स होगा, तो एयर का आएगा, तो एयर में मैक्सिमम होता है, मीडियम में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे कहूं कि जो एयर क्या कहते हैं कि
अभी हमारे पास बाहर क्या है, गुलाम सलाम मैंने लगाया, ठीक, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आर है, देख लीजिए, तो 1/4 π ε0 q1 q2 r2, ठीक। अगर मैं कह दूं चलिए मीडियम का नाम नहीं लिया, के रख दिया, ठीक है ना, यहां के है लेकिन के की वैल्यू कितनी है, 1 है, एयर में है, ठीक। चलिए मैंने इस को कहां रख दिया, मैंने वाटर में रख दिया, वाटर में दोनों चार्ज को रख दिया q1 q2, अब क्या डिस्टेंस वही है, सेम डिस्टेंस पर है, तो देखिए फोर्स में कितनी चेंजिंग आती है, लेकिन के कितना इसमें 81 होता है, तो जब मैं f वाटर में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 π ε0 के मतलब कितना 80 q1 q2 r2, 1/80 1/4 π ε0 q1 q2 r2, यानी इतने टाइम्स कम हो जाएगा, यानी वही डिस्टेंस, यानी क्या यप, ये क्या है, दिस इज व्हाट यप एयर बाई मिट्टी। आप देख रहे हैं कि उतने ही डिस्टेंस पर दो चार्जों को रख दीजिए एयर में, और उतने ही डिस्टेंस पर दो चार्जों को वाटर में रख दीजिए, उसका फोर्स जो होता वाटर का क्या होता है, 1/80 times क्या कर जाता, डिक्रीज कर जाता, कितना अंतर बता रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता जाएगा और क्या कहते हैं फोर्स क्या होता है, कम होता जाएगा, डायलेक्ट्रिक कम होता जाएगा और फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये मतलब जानिए। अब एक मोर पॉइंट देखिए, फॉर इक्वल फोर्सेस के लिए आप देखिए, मैं यहां q1 q2 लिया, उसके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक, और यहां मैंने क्या लिया, q1 लिया q2 लिया, और इसके बीच मैंने कोई मीडियम रख दिया, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं, यहां पहले r नॉट था, यहां rm होगा, rm मतलब r मीडियम हो गया, यहां k हो गया, और मैं कहूं फोर्स इक्वल है तो उसके डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉर इक्वल फोर्सेस फाइंड द लेंथ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो ऐसे ही आएगा, फोर्स इक्वल रहेगा तब कहेगा जो इफेक्टिव लेंथ है डिस्टेंस है वो बताइए, न्यू डिस्टेंस, तो बताइए यहां इक्वल फोर्सेस, इसके लिए भी जो फोर्स होगा, इसके लिए भी जो फोर्स होगा इक्वल होगा, या इसे वन, इसे क्या करते हैं कि एयर दे दूं, इसे मीडियम दे दूं, तो कह रहा इक्वल फोर्सेस के लिए एफ एयर विल बी इक्वल टू एफ एम, कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक, 1/4 π ε0 q1 q2 r2, ये इसके लिए हो गया, इसके लिए बताइए 1/4 π ε0 q1 q2 r2, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, 1/r02 1/k कितना हो जाएगा r2, पर देता हूं r02 1/ ये भी करंट हो गया k रूट में, सॉरी rm रूट में k, के आर एम स्क्वायर आर नॉट विल बी इक्वल टू आर एम रूट में के, तो ऐसा कोई आ जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप निकाल सकते हैं आर नॉट विल बी इक्वल टू आर एम रूट में के, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप क्या करते हैं के की वैल्यू बदलते जाइए रूट में करके और इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए, पता चलता जाए, ये रिलेशन आप देख लीजिए, खुद समझदार है। चलिए ये भी बात हो गई, चलिए एक चीज और, मैंने आपको
पता था कि जो कूलॉम्स लॉ है वो क्या है, केवल अप्लीकेबल फॉर क्या पॉइंट चार्ज, बट नॉट अप्लीकेबल फॉर द बिगर चार्ज। वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है लेकिन बड़े चार्जों के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए हम उसमें भी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं कहूं इसका जो फोर्स है कितना होना चाहिए, या फिर रिक्वेस्ट टू कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स 1/4πε0Q1Q2 कितना आर स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा तो अब जानते यही चीज क्या होता जाएगा बताइए, जब रिपल्सर के कारण ये चार्ज इधर आ जाएंगे और इसमें ये चार्ज इधर आ जाएंगे, डिस्टेंस हमारी पहले ये थी, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये यही था और क्या कहते हैं ये डिस्टेंस बढ़ के हमारा कितना हो गया, इतना हो जाएगा। और इसी को मैं क्या करता हूं, आर इफेक्टिव लिखता हूं, आर इफेक्टिव लिखता हूं। तो अब इसके लिए जो फोर्स आएगा एफ एक्चुअल आएगा, ठीक, एफ एक्चुअल जो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, R इफेक्टिव का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R इफेक्टिव स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जो अब ये क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, ये क्या करता जाएगा, कम होता जाएगा कूलॉम फोर्स से, ठीक है, ये बढ़ेगा जब ये कम होता जाएगा, ठीक। तो दैट इज मैं क्या लिख सकता हूं, या एक्चुअल जो होगा या वो कूलॉम फोर्स से क्या होगा, कम होगा, तो ठीक ना, समझ में। तो अब देखिए मैं इसे लिख सकता हूं अच्छे से, फॉर लाइट चार्ज के लिए जो आर इफेक्टिव होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा आर से, लाइट चार्ज देखिए रिपल हो गया इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो यह जो एक्चुअल होगा या फिर कूलॉम फोर्स से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, जाहिर सी बात ये बढ़ेगा ये कम हो जाएगा, आप देख रहे हैं मैंने दिखाया। और फॉर अनलाइट चार्जेस क्या हो जाएगा बताइए, आर जो इफेक्टिव हो जाएगा वो लेस हो जाएगा आर से, क्योंकि जब मैं क्या करूंगा, अनलाइट होगा इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव हो जाए, इसके अट्रैक्शन के कारण सारे चार्जेस पास आ जाएंगे तो इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। अब पहले कितनी थी, इतनी थी आर थी, ये आर इफेक्टिव हो गया, ठीक। तो जब कम हो जाएगा तो यह जो एक्चुअल होगा ग्रेटर होगा कूलॉम फोर्स से, तो इसीलिए क्या करते कि फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो एक्चुअल फोर्स होता है हमारा कूलॉम के फोर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा कूलॉम्स के रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। तो इससे ओवरऑल ये मतलब निकला कि कूलॉम्स लॉ इज ओनली अप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज बट नॉट अप्लीकेबल फॉर द बिगर चार्ज, यू नो। चलिए आगे देखता हूं, हटाऊ, चलिए एक छोटा सा नोट पॉइंट और है। कूलॉम में एक प्रॉब्लम थी, पहले ले देता हूं, कूलॉम डू नॉट एक्सप्लेन इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्ट ऑफ सिंगल चार्ज बॉडी। उसमें एक समस्या थी, कूलॉम डू नॉट एक्सप्लेन
इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्ट ऑफ द सिंगल चार्ज बॉडी, कोई सिंगल चार्ज बॉडी था, ठीक, कोई सिंगल चार्ज बॉडी था, तो अगर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए तो रिपल्सन तो होगा, ब्रेक कर दिया जाए तो इस चीज को कूलॉम ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मैंने लिखा कूलॉम्स डू नॉट एक्सप्लेन इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्ट ऑफ द सिंगल चार्ज बॉडी। सिंगल चार्ज बॉडी को अगर दो पार्ट में कर दिया जाए उसके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो कूलॉम जी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसको एक्सप्लेन किसने किया? इट इज एक्सप्लेन बाय कास्ट। इसको कितने एक्सप्लेन किया था? कास्ट ने एक्सप्लेन किया था, ठीक। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आए प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और अपने क्वेश्चन को मेरे सामने रखिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मोर वीडियोज मिलते रहेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। धन्यवाद।